हमारे प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन रविन्द्र नायक जी, सचिवालय प्रशासन विभाग के तमाम सारे अधिकारीगण, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, और सचिव एवं अन्य अधिकारीगण, हमारे व्यक्तिगत स्टाफ के स्टाफ अफसर्स, और आज सेवानिवृत्त हो रहे हमारे तमाम सारे साथियों, सबसे पहले तो मैं सचिवालय प्रशासन को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि मैंने एक आह्वान किया था 2022 में, जब मैं नया नया भारत सरकार से यहां पर मुख्य सचिव के रूप में आया था, क्योंकि तो मेरी एक आदत है हर साल पहली जनवरी को मैं अवश्य सारे दफ्तरों को पहुंचने की कोशिश करता हूं, और ये मेरी आदत पिछले 40 साल की है, जब से मैं सेवा में आया तब से हर साल मैं कोशिश करता हूं कि हर दफ्तर को मैं जाकर के देखूं, सबसे उसके कार्यालय में ही जाकर के मुलाकात करूं। तो जब मैं पहले बार 2022 के जनवरी में, मुझे ख्याल है 2 जनवरी था, मैं जब सारे सचिवालय में गया तो मुझे देख करके बहुत बुरा लगा कि सचिवालय में कहीं पे हमारे विशेष सचिव हैं तो उनका जो सोफा फटा हुआ है, कहीं पे उसकी टांग टूटी हुई है, कहीं पे वो जो बुनने वाला जो कुर्सी होता है वो टूटा हुआ है, और गंदगी तो अखबार थी। ये 2022 की जब मैंने स्थिति देखी, और कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश शासन का जो हमने सुना था कि इतना सारा काम हो रखा, कहीं कुछ प्रदर्शित था। तो उसके बाद मैंने एक विशेष अभियान चलाया 2022 में, और उसमें काफी परिवर्तन हुआ, काफी सारी चीजें उसमें वीडिंग हुई, बहुत सारी सफाई हुई। लेकिन जब मैं 2023 के जनवरी में फिर गया, जब दोबारा जब गया, तभी भी मेरे लिए संतोषजनक नहीं था वो सफाई, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब साफ सुथरा स्थान होता वहां पे देवी देवता निवास करते हैं, वहां भगवान का निवास होता है, और अगर गंदगी रखें तो वहां पे शैतान का निवास होता है। कभी भी मेरे संतोषजनक मेरे लिए नहीं था। फिर एक बार दोबारा अभियान चलाया, उस अभियान का नतीजा हुआ कि काफी कुछ सफाई होगी। जब मैं उसके बाद 2024 के जनवरी में, जब इस साल के जनवरी में जब मैं घूम रहा था सचिवालय में, तो मैं बताऊं मुझे गर्व की अनुभूति हो रही थी। इस बार मैं जहां भी गया, जिस किसी बिल्डिंग में गया, वहां पे मुझे गर्व की अनुभूति हो रही थी कि न केवल सफाई हुई बल्कि सफाई के साथ साथ सुंदरता भी आ गई। तमाम सारे लोगों ने अपने कार्यालयों को न केवल जो आवश्यक नहीं था उसको वहां से डिस्कार्ड किया, बल्कि ऐसी चीजें वहां लगाई, कहीं पे उन्होंने गमले लगाए, कहीं पे उन्होंने फूल पत्ते लगाए, कहीं पे उन्होंने कुछ और चीजें लगाई अपने उसको सजा करके, तो न केवल साफ था बल्कि सुंदर भी था, और कहीं कहीं हरियाली भी थी, गमले मैंने कई जगह देखा। तो एक बिल्कुल परिवर्तन आया मुझे 2024 में, ये 2 साल की मेहनत कर ली, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं छोटी छोटी कमियां मुझे नजर आई। चाहे कहीं पे जब मैं घूमता हूं तो मैं बाथरूम जरूर जाता हूं, क्योंकि बाथरूम सबको जाना पड़ता है, और बाथरूम में अगर बदबू होगा तो फिर क्या होगा, आप उतने उसमें दुर्गंध से बीमारी से आप उसको पालते हो अपने आप को। आप जाते हो तो छत को नहीं देखते हो, अपने बेसमेंट को नहीं देखते हो, तो पूरा सब कुछ साफ है, बेसमेंट पूरा कूड़ा का घर बना हुआ है, या आपका जो छत जो है कूड़े का घर बना हुआ है, आपका कोना जो ऐसी जगह जो हमारी नजर नहीं जाती। तो जब मैं 2024 में घूम रहा था तो मैं इन सारी चीजों को नजदीक से देखा, क्योंकि आपको पता होगा कि स्वच्छ भारत मिशन जो पूरे देश भर में चलाया गया वो मैंने जिया है। लेट मी टेल यू, मैंने उस स्वच्छ भारत मिशन को मैंने दिया, मेरे कण कण में मेरे स्वच्छ भारत मिशन घुसा हुआ है। मैंने पूरे देश के स्वच्छ भारत मिशन को न केवल बनाया अर्बन एरिया के लिए, बल्कि उसको मैंने जिया, और उसको पूरा का पूरा स्वच्छ सर्वेक्षण से लेकर के पूरा उसका डिजिटलाइजेशन करने से लेकर के उसमें इतने उद्यमिता विकास को लेकर एक एक चीज जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी इस देश को स्वच्छ करने के लिए, और उसको कैसे हम अल्टीमेट ले जा सकते हैं, इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 वो मैंने लाने के उसको लाया, और उसको बनाने में बहुत बहुत कोशिश की। वैसे मैं स्वच्छ सचिवालय भी चाहता था कि हमारा सचिवालय भी उसी प्रकार का स्वच्छ हो, और उस स्वच्छता के लिए कहीं पानी भी इकट्ठा होता था, बहुत कुछ चीजें। इस बार 2024 के जनवरी में मैंने बहुत सारी चीजें देखी,
और उसके आधार पर मैंने एक नया कंपटीशन विशेष अभियान चलाया, एक विशेष चुनौती 90 दिन की चुनौती जारी की। और मुझे खुशी है कि आज उस चुनौती के परिणाम स्वरूप मैं देखने तो नहीं आया हूँ, लेकिन उसमें जो मैंने एक जूरी बनाई थी उस जूरी का पूरा रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट मुझे दिखाई गई और उसके आधार पर यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारा सचिवालय बिल्कुल स्वच्छ हो गया। और मैं सबसे यही अपेक्षा करूंगा कि जो स्वच्छता आपने अटेन किया, क्योंकि ऐसा है कि स्वच्छता आप प्राप्त तो कर सकते हो लेकिन वहां पर रहना पड़ता है। जैसे कि आप दाढ़ी अगर एक दिन बढ़ाओ तो साफ सुथरे बड़े अच्छे लोग हो, लेकिन अगर दो चार महीना बनाना छोड़ दो तो फिर आप साधु बन जाओगे, है ना, दाढ़ी आपकी जो आ जाएगी और फिर बनाना साधु बन जाओ। तो ये हालत है कि अगर स्वच्छता आपने थोड़ा भी उसमें अगर ढिलाई कर दी तो गंदगी आने में वक्त नहीं लगता है। और एक बार दोबारा फिर से वही जो है जो हमने कहा कि देव के स्थान पर शैतान का निवास, वो फिर से हो जाएगा और हम सब देवतुल्य हैं। इसलिए हमारे लिए स्वच्छ जगह होनी चाहिए। और ये अपेक्षा मैं करूंगा कि जो आपने काम किया, जो हमारे तीन अनुभाग जिन्हें आज पुरस्कार मिला है, तीन बिल्डिंग जिन्हें पुरस्कार मिला है, मैं चाहूंगा हर बिल्डिंग अपने आप में इस बात को चुनौती को ले कि हमारी बिल्डिंग सबसे ज्यादा साफ है, न केवल साफ है, न केवल स्वच्छ है, बल्कि सुंदर भी और हरी भरी भी। उसके आस पास जहां कहीं जगह उपलब्ध है वहां पर प्लांटेशन करेंगे। आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात में लोगों का आह्वान किया, एक पेड़ अपनी मां के नाम, अगर आपके सचिवालय में कोई जगह उपलब्ध हो वहां एक पेड़ लगा दीजिए, अपने घर में कोई जगह उपलब्ध है वहां पे पेड़ लगा दीजिए, मोहल्ले में जगह वहां पेड़ लगाइए, माँ के नाम पे पेड़ लगाइए, ट्री फॉर माय मदर। उससे फिर आपको हरियाली भी आएगी और जहां कहीं आपको गंदगी लगती है वहां पे सुंदरता के लिए चाहे कोई पेंटिंग करा दे, कुछ और चीज करा दे, ताकि जब साफ रहेगा, सुंदर रहेगा, हरियाली हरा भरा रहेगा तो काम करने का भी मन करेगा, आप बेहतर काम करेंगे और सबसे बड़ी चीज आपको अंदर से खुशी मिलेगी, नहीं तो मन के अंदर उलझन बनी रहेगी और वो उलझन आपको तंग करती है, आपकी क्षमता को कम करती है। तो मैं इस बात के लिए सचिवालय प्रशासन को बहुत बहुत बधाई दूंगा और यही अपेक्षा करूंगा कि आप ने जो पिछले 2.5 साल में मेरे साथ ये मेहनत किया है उस ऊर्जा को बरकरार रखिए और अपने लोगों के लिए एक सुंदर वातावरण दीजिए जिससे लोग अच्छा काम करें, अच्छे मन से, श्रेष्ठ मन से घर में आए, अपने कार्यालय में आए और श्रेष्ठ मन से घर यहाँ से अपने घर को वापस चले, ताकि घर में भी जाकर वो खुशियाँ अपने स्पाउस या अपने पति या पत्नी या अपने बच्चों या अपने माँ बाप, अपने भाई बहन सबके ऊपर वही खुशियाँ बिखेरे। तो पहले तो मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, आज ये जो परंपरा काफी समय से लंबा सत्र 2 साल से चालू किया मैंने, जब मैं शुरू में देखा जब बहुत सारी शिकायतें आ रही थी और बहुत सारी बातें मेरे सामने आ रही थी, तो मैंने ये परंपरा डाली कि हर महीने के अंतिम तिथि को अपने उन तमाम सारे भाइयों बहनों को बुलाऊंगा और उन सबको मैं यहाँ पे अपने सामने सम्मानित करूंगा। क्योंकि तो आप जैसे किसी ने कहा कि हमने नौकरी ज्वाइन की तो हम सोचे कि हम बिल्कुल उदास थे, अब उसके बाद हम बहुत सारा काम के हम प्रसन्न है, तो उसी प्रसन्न भाव से आप वापस जाएंगे और मुझे खुशी है कि हर महीने इस बार चूंकि संडे पड़ गया था और मैं पिछले 2 दिन से बाहर था, अदरवाइज मैं शुक्रवार को कर लेता, इसलिए मैंने रवि जी से रिक्वेस्ट किया कि हम लोग इसको संडे को करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो आप सारे लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आज रविवार होने के बावजूद भी आप लोग यहाँ पे आए, इस बात के लिए आपको बहुत धन्यवाद। उनमें से कुछ लोगों ने, घनश्याम जी ने, राजकुमार ये रत्ना जी ने, अम्बरीश जी ने, उदय प्रताप जी ने, इन्होंने अपनी कुछ भावनाएं व्यक्त की, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा निवृत्ति एक हमारे जीवन का एकमात्र पड़ाव है, एक पड़ाव है। वैसे जैसे कि आप जब पैदा हुए थे तो फिर आपका मुंडन हुआ, उसके बाद आपने शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया, शिक्षा के आपका जो आपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा तो फिर उसके बाद आपको फिर वहां से खत्म हुआ तो जूनियर हाई स्कूल में पढ़ना चालू किया, वो खत्म किया तो आपने हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में पढ़ना चालू किया, जब वो खत्म हुआ तो फिर उसके बाद आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई चालू की। यानी ये अलग अलग माइल स्टोन्स है जीवन का, जीवन हमारा एक ऐसी यात्रा है, उस यात्रा के अलग अलग माइल स्टोन्स है, उसके मील के पत्थर है। वैसे ही जिस दिन आपने सेवा प्रारंभ की तो अगला मील का पत्थर आपका सेवानिवृत्ति का भी तय हो गया,
आपने उस अवधि को कैसे दिया ये आप पे निर्भर करता है, आपने कितना दिया ये आप पे निर्भर करता है, वो कौन सा मील का पत्थर आपका शुरुआत हुआ वो इस बात पे निर्भर करता है उसके पहले वाले में आपने क्या काम किया। अगर पहले वाले में सत्य किया तो और अच्छा होगा। तो ये आपकी उस भावना के साथ हमेशा ये मील के पत्थर आपके जीवन में चलते रहेंगे और ये लंबी यात्रा आपकी चलती रहेगी, क्योंकि यात्रा आपके हाथ में नहीं, ये भगवान की दी है। बड़े सौभाग्य से ये मानव तन मिलता है, मानव शरीर जो है, क्योंकि जितनी सारी हमारी इस पृथ्वी पे जितने किस्म के जीव जंतु जितने हैं इन सब में श्रेष्ठतम भगवान की कृति जो है माने जाती है, क्योंकि हम न केवल हमारे अंदर सेंसेस है सब चीज को महसूस करने का, बल्कि हम चीजों को सिंथेसाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उसको आगे सोच सकते हैं, बहुत कुछ चीजें हम आध्यात्म के माध्यम से उस भगवान तक जुड़ सकते हैं जिसने हमें बनाया, हमें जो बनाने वाला है उस बनाने वाले के साथ हम जुड़ सकते हैं। तो भगवान ने हमें बहुत ताकत दी है, ये केवल अपने आप को पहचानने की बात है, ताकत की कमी नहीं है, बस पहचानने की बात है। और वो आपने महसूस भी किया होगा, सेवा में महसूस भी किया होगा आपने, अपनी उस ताकत को महसूस भी किया होगा। जैसे आपने कहा कि देखिए जहां पे बड़े सीनियर IAS अफसर लोग हैं, जो जो बड़े बड़े लोग हैं उनके भी आप समीक्षा करते हो, शुरुआत में समीक्षा शुरू कर देते हो, ये आपकी ताकत है। लेकिन आप वो बड़ा IAS अफसर भी बन सकते थे, अगर वो भाव उसमें होता तो शायद वो भी बन सकते थे। आप में कोई कमी नहीं है, भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी, भगवान ने आप में वो सारी चीजें दी हैं जो दूसरे में दे रखी है। केवल ये आपको अपनी ताकत को पहचानने की बात है, आपने वो ताकत महसूस की तो फिर आप उसको प्राप्त कर सकते। इसलिए इस पड़ाव को अब मैं कहूंगा कि जो अगला आपका पड़ाव, यानी आपकी जो अगली यात्रा जो शुरू हो रही है, उस यात्रा को उस मनोयोग के साथ, पूरी उस भावना के साथ अगर जुड़ करके नई यात्रा प्रारंभ करेंगे, आपको देखेंगे आपका जीवन सुखद होगा। और ये यात्रा तो इतनी खूबसूरत यात्रा है क्योंकि अब आपकी जरूरतें खत्म हो गई। जो जरूरतें पहले थी, आपने जब शुरुआत की तो आपने, आपकी शादी ब्याह हुआ, आपके बच्चे हुए, आपके परिवार में माँ बाप थे, आपके भाई बहन थे, कोई शादी ब्याह करनी है, कोई कुछ करनी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां, मोस्ट जिम्मेदारियों से आप मुक्त हो चुके हैं या मुक्त होने के करीब हैं। और इसीलिए हमारे सनातन में इसको वानप्रस्थ अवस्था कहते हैं। वानप्रस्थ अवस्था मतलब जब हम अपने को समाज के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं, हम समाज के लिए जीते, क्योंकि हमने अपनी ताकत, बहुत सारी ताकत अर्जित की है। पिछले जो हमारी जो ये जो पीछे की यात्रा थी, पिछला जो पड़ाव था उससे लेकर कुछ मैंने बहुत कुछ अर्जित किए, उस अर्जन को क्या हम समाज को दे सकते हैं, ये आपके पास वो वक्त आ गया है। अगर आप इस भाव से आप देंगे और आप कहेंगे कि हम कैसे दे सकते हैं, हम तो केवल अनुसेवक थे, हम तो केवल एक अनुभाग अधिकारी थे, हम क्या दे सकते हैं, हमारे पास क्या देने को है। देने के लिए आपके पास इतना सब कुछ है कि बस सोचने की बात है क्या हमारे अंदर। आप सोचेंगे तो आप देखेंगे बड़े बड़े जो हमारे जो बहुत बड़े बड़े चिंतक हुए, बड़े साधारण से लोग बड़े चिंतक हो गए। उसके लिए बड़ा होने, बड़ा पद की जरूरत नहीं है, बड़े सोच की जरूरत है। अपने आपके अंतरंग से अगर आप जाकर के देखोगे तो आप में इतनी ताकत भरी है भगवान ने, क्योंकि भगवान ने तो भर भर करके रखी आपको, बस कोई देख नहीं पाता। आपके अंदर मणि है, मणि को आप देख नहीं पाते, मणि छुपी रहती है और वो चली जाती है आपके साथ, वो जल के भस्म हो जाती है। उसको देखें, अगर आप अंदर देखें तो आप इसको महसूस करें कि हमारे अंदर इतनी ताकत है, हम क्या नहीं कर सकते हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं वो हमारे चाव के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास कोई बंधन नहीं है सरकार का कि हमको ये पदनाम दे दिया गया कि हमको ये समीक्षा अधिकारी, ये अनुभाग अधिकारी, ये संयुक्त सचिव, ये विशेष सचिव, ये पद नाम से मैं घिरा हुआ नहीं। अब मैं अनंत हूं, अनंत संभावनाओं का पुंज हूं, मैं वो सब सारी चीजें कर सकता हूं जो कोई नहीं कर सकता, हमारे सामने कोई बंधन नहीं। उसके लूप उस भाव से चलेंगे, क्योंकि देश हमारा जिस तेजी से बदल रहा है, देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो समाज के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर के पूरे श्रद्धा भाव से, एक देशभक्ति के भाव से देश के लिए कार्य करें। वो सोचे कि हम क्या करें कि हमारा देश कल का आज से बेहतर हो, चाहे वो लोगों में शिक्षा देने की बात हो,
या लोगों को सफाई के बारे में बात हो, चाहे जल के संरक्षण की बात हो, कोई भी चीज, चाहे ऊर्जा के बचत की बात हो, आप कैसे इस देश को ताकत दे सकते हो, ये इसकी कोई कमी नहीं है। लोगों में आध्यात्मिक चेतना की बात हो, लोगों में शांति की बात हो, लोग इतने उद्विग्न हैं, इतने सारे आज के डेट में लोग जो है एकाएक रूट रेजिंग हो जाती है, लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रण नहीं कर पाते, क्या हम उनको वो शांति दे सकते हैं? अगर आप सोचो तो दे सकते हैं। क्या उस बच्चे को जो सड़क पे जो बच्चा है उसमें वो वटवृक्ष है, उस बीज में अगर उसको सही तरीके से उसका पोषण कर दिया जाए तो वो वटवृक्ष बन सकता है, लेकिन उस बच्चे को आज उसके पास कोई पोषण का तत्व नहीं है तो फिर उसको वो जहां है वहीं पड़ा रह जाता है। क्या आप उसे आप मौका दे सकते हो? आप ऐसे क्या 5 बच्चे को स्वीकार कर सकते हो, 1 बच्चे को स्वीकार कर सकते हो? अपना बच्चा तो बढ़ गया, जो बन गया सो बन गया, क्या आप ऐसे एक बच्चे को लेकर के उसको भी उस योग्य बना सकते हो जैसे आपका बच्चा बना है? आप बहुत कुछ कर सकते हो, अगर आप सोचना चाहो मैं तो 1000 संख्या गिना दूंगा जो आप कर सकते हो, क्योंकि हमारा देश बदल रहा है। हमारा देश आज हर कोई इंसान को, हर कोई नागरिक को, हर भारतीय को ताकतवर बनाना चाहता है, ताकि ये देश विकसित बने, आत्मनिर्भर बने, दुनिया के देशों में अग्रणी श्रेणी में पहुंचे, और यही हमारा देश था, ऐसा ही हमारा देश था कभी, ज्यादा समय पहले नहीं, आज से केवल 1000 साल पहले। 1000 साल बहुत ज्यादा नहीं होता किसी देश के इतिहास में, 1000 साल पहले हम दुनिया में हमारी तूती बोलती थी, 1000 साल पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था का 30% हमारे देश में हुआ करता था, आज हम 2% नहीं है। 1000 साल पहले लोग आते थे यहाँ पे, लोगों की आंखें चौंक जाते थी, यहाँ पे जो शिल्प था, यहाँ की जो कला थी, यहाँ की जो वास्तु था, यहाँ की जो हर चीज के बारे में जो ऐसी चीजें थी लोग सोच नहीं सकते थे। आप सोचिए, यही देश है जिस देश में आज से 6000 साल पहले जो हमारे ग्रंथ लिखे गए, 8000 साल पहले जो हमारे ग्रंथ लिखे गए, जिसके बारे में आज कोई सोच नहीं सकता है, एक एक सूत्र के बारे में सोच नहीं सकता है। वो लिखने वाले तो हम ही लोग थे, हम उन ऋषियों की संतान हैं, चाहे वो किसी भी ऋषि का नाम ले लीजिए, वशिष्ठ मुनि का नाम ले लीजिए, भरद्वाज मुनि का नाम, जिस ऋषि का नाम ले लीजिए, हम उन ऋषियों के संतान हैं, हमारे अंदर उन्हीं के गुण बैठे हैं, हमारे धमनियों में उन्हीं के खून बहते हैं, हम वही हैं, बस हम अपने को पहचान नहीं पाते। तो अगर जो हमारे ऋषि आज से 6000 पहले, 8000 अगर पहले जो वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना कर दी, जो हमारे वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना कर दी, जो गीता श्रीमद भागवत को लिख दिया, दुनिया का इतना बड़ा ग्रंथ है, वो कहां से था? वो अपने ही लोग तो थे, अपने ही लोग थे, इसी धरती पे, इसी भारत माँ पे, इसी भारत माँ में पैदा हुए और इसी की जमीन के उसके जो अन्न खाए और यहीं का दूध पिया, यहीं का उन्होंने सब कुछ किया और ये यहां से यहां चले गए। आप सोचो कि उनकी अगर जिस दिन आप उनके अपने आप को उससे जुड़ोगे, आप अनंत बन जाते, चाहे वो आसमान के जो बने, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी की जो चीजें हो, एस्ट्रोलॉजी की जो चीजें हो, चाहे वो समुद्र के भीतर की चीज हो, चाहे ह्यूमैनिटी किस चीज में, गणित के बारे में हो, विज्ञान के बारे में हो, कृषि के बारे में, हर चीज में कहां से कहां थे, तो वही है। इसलिए किन सीमाओं में आप अपने आप को बांधते हो, उन सीमाओं को तोड़ दीजिए। मेरा आप सबसे यही अनुरोध होगा कि जिस, क्योंकि अब आप मुक्त हो चुके हो उन जिम्मेदारियों से, जिन जिम्मेदारियों की वजह से आप बंध रहे थे, उन बंधनों से आप मुक्त हो चुके हो जो कि आपको बांध रहे थे कि मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूं, मैं संयुक्त सचिव हूं, मैं ये सचिव, वो सचिव, ये सब, इन चीजों से मुक्त हो चुके हो, वो फाइल पे ये लिखना है, वो फाइल पे लिखना, फाइल तोड़ करके अब आप लाइफ में घुस जाओ, फाइल की जगह आप लाइफ हो जाओ और लाइफ से लिविंग हो जाओ, लिविंग से जीवंत हो जाओ। ऐसे अगर आप सोचोगे तो फिर आप देखोगे कि आपकी जो है ये अगली यात्रा कितनी सुखद हो जाएगी, आपका परिवार भी सुखद होगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और आप रोज अपने आप को शाबाशी दे सकोगे कि मुझे, मैंने आज ये काम किया है, क्योंकि हम ऋषियों की संतान है जो इस देश को इतना ताकत। मैं आप सारे लोगों को, आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपके अच्छे भविष्य के लिए, आपको दीर्घायु हो, जो हमारा देश विकसित होने जा रहा है अगले 22-23 साल के भीतर भीतर, कुछ लोगों को मजाक लगता होगा, कुछ लोग लगता होगा कि ये तो जुमला है, नहीं, मैं उसका पार्ट रहा हूँ भारत सरकार में, मैं बहुत लंबे समय तक भारत सरकार में मैं सचिव के रूप में, मैंने उन चीजों को देखा है किस प्रकार से देश बदल रहा है,
नजदीक से पूरे देश को जा करके देखा है, मैंने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम सारे इलाके में घूम के देखा कैसे हमारा देश बदल रहा है, आपका उत्तर प्रदेश कैसे बदल रहा है, ये मैंने पिछले 2.5 साल से देखा है। और ये आगाज करता है आने वाले नए भारत का, आगाज करता है एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का। मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आप जिंदा रहें, आप स्वस्थ रहें, उस नए भारत को देखें। लेकिन केवल देखने के लिए नहीं, आप ये सोचें कि इस भारत को बनाने में हमारे का योगदान, हमने क्या किया जिसकी वजह से ये भारत आज इस रूप में आया। अगर आप ये सोचेंगे, आप ये करेंगे, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आपकी जिंदगी लंबी होगी, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा, आपका सब कुछ आपके लिए भला ही भला होगा। मैं ये सबको जो आपने हमारे प्रदेश में सचिवालय सेवा में अलग अलग जिम्मेदारियों में आपने जो योगदान दिया, उस बात की मैं सराहना करता हूँ। आप सबको मैं सम्मान देता हूँ कि आपने वो कार्य किया जो आपको कार्य दिया गया। लेकिन मैं उसी के साथ साथ आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि एक नए कार्य के लिए तैयार होकर के पूरे मनोयोग के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे राष्ट्रभक्ति के साथ आप लग जाइए और एक नए यात्रा प्रारंभ करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।